बचे हुए आटे की इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट समोसे आपने पहले कभी ना खाया होगा, तो चलिए देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं। समोसे के आलू की सब्जी के लिए आपको चाहिए 1/4 कप पीनट, मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, 1 हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा। साथ में आप 2 आलू के उबले आलू ले लें, 1 बड़ा प्याज, 1/2 कटोरी धनिया पत्ती और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 लहसुन की कलियों को मैंने कीस लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, बट किसे हुए अदरक लहसुन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। कढ़ाई में आप 2 चम्मच तेल डाल दें, तेल गर्म होने पर उसमें जीरा डाल दें, हरी मिर्च, खड़ा धनिया, मूंगफली। गैस को मीडियम ही रखें, किसा हुआ अदरक लहसुन, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में। 1 बड़ा प्याज कटा हुआ बारीक। प्याज जब थोड़ा सा हो जाए उसमें आप डाल दीजिए हल्दी, हमारा मिर्ची पाउडर और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर डालिए इसमें आलू, नमक, गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए और फिर डालिए इसमें हरा धनिया। मिक्स कर लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि हम समोसे में इसकी फिलिंग कर सकें। नॉर्मली हमारे घर में सुबह का आटा बचा हुआ रहता है रोटी का, तो इससे आज हम समोसे बनाते हैं बचे हुए आटे से। पर आपका आटा बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ ना हो, नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हो। अगर आपने फ्रीज में रखा हुआ है आटा तो उसे बाहर निकाल के थोड़ी देर और गूंथ लें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब इससे हम नॉर्मली जैसे रोटी बनाते हैं वैसी ही रोटी बनाएंगे, छोटी सी। और एक और रोटी बनाएंगे सेम साइज की। अब इसमें एक रोटी में हम लगा देंगे तेल और दूसरी से इसे कवर कर लेंगे और इसे फिर जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं हमारी वैसा ही बेल लेंगे। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से चिपक गई है। अब इसे पतला बेल दें, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है। ये हमारी रोटी की साइज की ये बन गई। तवा को रखिए मीडियम फ्लेम में और अब हम इसे सेकते हैं। रोटी को तवा में डाल दीजिए और आप देखेंगे जैसे जैसे हम इसे सेकते जाएंगे ये जो दोनों रोटी हमने चिपकाई थी ये बीच में से अलग होते चला जाएगा। दूसरे साइड से भी सेकना, इसे पलटते ऐसा ही सेकते जाएं, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से। तवा मीडियम फ्लेम में रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं रोटी दोनों अलग होना स्टार्ट हो गया है। इसे और इस साइड से भी सेकते जाएं। रोटी को फूलने ना दें,
जैसे हम नॉर्मली फुलके बनाते हैं उस टाइप से। ये देखिए ये दोनों हमारी अलग हो गई और बस इसी टाइम पे आप इसे एक थाली पे निकाल दें। ये रोटी को हमें 3 पार्ट में कट कर लेना है। देखिए आपकी रोटी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये कट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने एक बार में 2 रोटियां बना ली हैं, मतलब टोटल 4। आप रोटी को किसी कैसरोल में भी रख सकते हैं ये टुकड़े, तो जब हम एक साथ हमारे सारे पीसेस रेडी हो जाएंगे हम इस पे आलू की फिलिंग कर लेंगे। समोसे को चिपकाने के लिए आप एक मैदे का गाढ़ा घोल बना लें। उसके लिए लें 1 चम्मच मैदा, उसमें डालें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, इस तरीके का एक पेस्ट बना लें। रेक्टेंगल वाले शेप के लिए आप आलू यहां भरिए, फिर इसे ट्रायंगल का शेप दे दीजिए। यहां पर थोड़ा मैदे से ये वाले को चिपका दीजिए। ये हमारा इस साइड से चिपक गया। अब इस साइड के लिए हम यहाँ पर मैदे का घोल फिर से लगाएंगे और फिर आप इसे यहाँ चिपका दीजिए। और ये जो है हमारा लास्ट, हमने रोटियां पहले ही सेक ली हैं हल्की सी, इसलिए हमें तेल भी इसमें बहुत कम लगेगा फ्राई करने के टाइम। देख लीजिए कहीं भी ऐसे ओपन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे आलू का मसाला निकल जाएगा। ये बोट जैसा जो शेप है इसके लिए ये छोटा समोसा बनेगा, क्योंकि इसकी जो रोटी है वो छोटी है। और फिर इसे यहां चिपका लें। चिपकाने के लिए और इसे ऐसे फोल्ड कर दें और ऐसे ही आप सारे समोसे रेडी कर लें एक साथ फ्राई करने के लिए। तेल मीडियम फ्लेम में ऑन कीजिए और इसमें सारे समोसे एक साथ डाल दें। ये देख रहे हैं आप, इससे बबल्स निकल रहे हैं। समोसे को डालने के पहले मैंने 5-10 मिनट उन्हें रेस्ट करने दिया था। इसे एकदम से ना हिलाएं, थोड़ी देर इसे फ्राई होने दें। ये हमारे समोसे ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसे पलट पलट कर आप फ्राई कर लें ताकि ये सभी तरफ से इक्वली पक जाए। हमारे समोसे हो गए हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लें। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं। गरम गरम समोसे आप कोई हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बताइए आज की रेसिपी आपको कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।